हेलो अंजलि, वेलकम. हाउ आर हाय, यू? आई हाय एम मैया. फाइन. ग्रेट हाय. ग्रेट, सो ग्रेट टू हैव यू हियर. हाउ यू? फाइन, ग्रेट. आई एम आल्सो गुड. सो मैं हम राइट 7 o'clock स्टार्ट करेंगे. तब तक हम वेट कर सकते हैं जो भी लोग अभी हमें ज्वाइन करेंगे, राइट? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. सो मिस्टर माथुर वेलकम, अंजलि वेलकम, इलीगल गौतम वेलकम, मुक्ति अभी वेलकम, सेरेवेल ब्लेंड वेलकम, सो रॉयल किंग सेड 546 वेलकम. सोलो सोल वेलकम, मोहिल एक्स एक्स वेलकम. यस टी के इंडिया वेलकम, राहुल वेलकम. सो यस, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड थैंक्स कि आप सभी इस टाइम पे हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं आज के लाइव सेशन के लिए. एंड आज के लाइव सेशन में हमारे साथ होने वाले हैं मयंक, एंड ही इज अ टाइकोंडो प्लेयर फ्रॉम मध्य प्रदेश. एंड उन्होंने सीनियर नेशनल्स में, जूनियर नेशनल्स में बहुत सारे मेडल्स भी लिए हैं. ही हैज रिप्रेजेंटेड हिज स्टेट एंड ही इज अ ग्रेट ग्रेट टाइकोंडो प्लेयर. एंड मेन चीज क्या है कि मैं कहूंगी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो कि आपको बहुत इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी, डेडिकेटली आपको वर्क करने के लिए इंस्पायर करेगी, जो कि है मयंक की. एंड आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं. सो मेक श्योर कि आप लास्ट तक हमारे साथ जरूर हैं, क्योंकि आज की जो हमारा ये लाइव सेशन है ये बहुत स्पेशल होने वाला है. क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मयंक की जर्नी, कि कैसे उन्होंने अपनी टाइकोंडो को स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने अपने चैलेंजेस को फेस किया, ओवरकम किया, एंड हमेशा नेवर गिव अप की फिलोसफी को फॉलो करते हुए अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी गेम को. सो जो भी हमारे साथ अभी लेटेस्ट ज्वाइन हुए हैं, लिनिता बैजू वेलकम, मंजीत कादियन वेलकम, जरी या ओके दरिया यश वेलकम, जीबी टाइकोंडो क्लब वेलकम, देन जीत प्रकाश वेलकम, सोनू पटेल वेलकम, यश टी के डी, हरसिमरन, देन खाखर, राहुल, मोहिल, सोलो सोल. सो ग्रेट टू हैव ईच वन ऑफ यू. एंड स्टार्ट करने से पहले मैं जरूर कहूंगी कि इनकेस आप मयंक से कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड लास्ट के 5-10 मिनट्स में हम वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने की पूरी ट्राई करेंगे. सो नितेश व्लॉग्स बिल्कुल. वेलकम, निर्मल मोहिल वेलकम, ग्रेट. सो राइट, 1 मिनट के बाद हम स्टार्ट करेंगे. एंड स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इंट्रो मैं अपने बारे में जरूर देना चाहूंगी कि मैं कौन हूँ एंड व्हाई एम आई डूइंग हियर. सो ये इंटरव्यूज क्यों कर रही हूँ मैं, उसका एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन है. एंड सबसे पहले तो माय नेम इज जैस्मिन, एंड मैं भी एक 18-year-old टाइकोंडो एथलीट हूँ. इंटरनेशनल लेवल पे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसी के साथ साथ नेशनल एंड बोथ ओपन इंटरनेशनल में बहुत सारे मेडल्स भी लिए हैं. एंड जर्नी स्टार्ट हुई थी अराउंड 7.5 years बैक इन टाइकोंडो, एंड अभी तक कंटिन्यूड है. एंड होपफुली के अपकमिंग ईयर्स में बहुत कुछ नए मेडल्स देखने को मिल सकते हैं आपको अंडर माई नेम. उसी के साथ साथ आई एम अ स्टूडेंट, यूट्यूबर भी हूँ मैं, मेरा यूट्यूब चैनल है. उसी के साथ साथ आई एम अ हेल्थ एंड फिटनेस कोच, एंड आई हेल्प पीपल के वो अपनी वेट लॉस जर्नी को सस्टेन कर सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ. सो इन केस आपको चाहिए कुछ फ्री टिप्स कि कैसे आप अपनी वेट लॉस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, जस्ट गो एंड चेक आउट द लिंक इन माई बायो, एंड आपको बहुत कुछ वहां से मिलेगा. एंड ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी एंड मेरे बारे में थोड़ी सी इंट्रो. एंड अभी हम चलते हैं मयंक की तरफ, एंड ही इज द गेस्ट स्पीकर जो आज हमारे साथ होने वाले हैं, और उनकी जर्नी के बारे में आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. सो मयंक, ओवर टू यू. हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आप जरूर अपने बारे में कुछ बताएं, आप कहाँ से हैं एंड आप प्रेजेंटली क्या करते हैं. थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, एक सेकेंड. हाँ नहीं अभी जी, ठीक है. मैं हाँ ठीक है. तो हाय गाइस, माय नेम इज मयंक जरिया एंड आई एम फ्रॉम इंदौर. एंड हाँ, हेलो. हाय गाइस, माय नेम इज मयंक जरिया एंड आई एम एन प्रोफेशनल टाइकोंडो एथलीट. ऑन द अदर हैंड, आई एम डूइंग माय फैमिली बिजनेस एंड या ग्रेट. सो आप हैं इंदौर से. सो इंदौर के बारे में हम जरूर थोड़ी सी जानकारी जरूर लेना चाहेंगे कि आपको कैसा रहता है, मींस कैसा लगता है, फील होता है बीइंग एन इंदौर वासी. इंदौर वासी. इंदौर क्या है, एकदम बहुत क्लीन सिटी है. आप जानते हैं इंदौर के बारे में, बहुत ही मतलब क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया है. तो बहुत अच्छा होता है यहाँ का एटमोसफेयर, भी बहुत अच्छा है. मतलब कुछ दिक्कतें नहीं होती हैं, बहुत अच्छा है. राइट, ग्रेट. सो मयंक, आप अभी कहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं एंड आपके कोच कौन है? पहले अभी तो फिलहाल मेरे कोच धर्मवीर ओझा हैं, जो भी वो भी मतलब अच्छे एथलीट
एथलीट हैं, मतलब नेशनल इंटरनेशनल वो भी खेले हुए हैं, अच्छे मेडल हैं उनके। और अभी मैं राइजिंग स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, राइट, सो और वहां मेरी पे टीम आपको टीम का नाम टीम ओझा है, ग्रेट जो ओझा सर, ओझा इज सरनेम ऑफ माय कोच। ग्रेट 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 सो मयंक, आपकी लाइफ में टैकमोंडो की शुरुआत कैसे हुई एंड कितने साल हो गए आपको अपनी गेम कंटिन्यू करते हुए? 8 years, और ये जब मैं 13 years का था तब मैं स्विमिंग करता था मेरे स्कूल में। तो उस टाइम पे यह चल रहा था ना कि हमारे मतलब स्विमिंग में अच्छे खासे थे हम, अच्छा करते थे। उस टाइम पे हमारे स्कूल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था स्विमिंग पूल में, तो 2-3 weeks तक कुछ नहीं एक्टिविटीज हो रही थी। और तो और वहां पे पास में ही मतलब जहाँ स्विमिंग हॉल से आते थे ना स्विमिंग पूल से, तो वहां पे ही कराटे हॉल था पास में, तो वहां पे हम जाते थे और देखते थे। मतलब उनको कुछ करने को नहीं मिलता था, बैठते बैठते थे क्योंकि हमारा उधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। फिर देखते देखते सर से मैंने बात की, जो मेरे वहाँ पे सर रहे आगे गौरव सनोटिया सर, तो उनसे मैंने बात की कि सर मुझे कुंग फू सीखना है। मतलब कुंग फू सीखना है मतलब, क्योंकि वो मैंने पहले ब्रूस ली वगैरह जो सर हैं उनकी देख रखा है बहुत कुछ, तो एक था मन में कि एक बार कुंग फू सीखना है लाइफ में। तो उस बेस पे मैं चला गया अंदर, सर से बोला सर मुझे सीखना है। सर ने बिल्कुल आ जाओ, सर ने यूं नहीं बोला मैं कराटे सिखाऊंगा, सर ने बोला हाँ मैं कुंग फू सिखाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा स्टार्ट हुआ। अब हमारा उस टाइम इतना वो नहीं था कि हम इसको इतनी अच्छे से खेलेंगे और मतलब आगे भी जाएंगे, ये था कि हाँ जब तक अपना स्विमिंग पूल ठीक हो रहा है अपन यहाँ रहो और फिर उधर चल देंगे, ऐसा था। तो ऐसे ही मतलब एक टूर्नामेंट आने वाला था मतलब 1-2 month के बाद, तो सर ने हमको उसके लिए तैयार करा। हमने मतलब कराटे सीख रहे थे, कराटे सीखते सीखते मतलब एक SGFI टूर्नामेंट्स होते थे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो जो सिलेक्शन होता था उसमें हमको लेके गए। तो 1.5 महीने में हम कुछ ज्यादा कुछ तो नहीं सीखे थे, बट थोड़ा बहुत सीख गए थे कि हाँ ये भी गोल्ड लेके आएंगे। इतना मतलब हमें उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। हम गए वहाँ पे, अच्छा परफॉर्मेंस रहा और ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो सर ने मतलब मन में ऐसा लगा कि ब्रॉन्ज ऐसा कैसे हो सकता है, अपन ने तो तैयारी तो ऐसा लगा था कि बहुत कुछ सीख गए हैं। और ब्रॉन्ज आया, जब घर आए तो ब्रॉन्ज से हर कोई खुश नहीं था, बोले चलो ठीक है तू कौन सा ये गेम खेलने वाला है आगे, तू तो स्विमिंग कर, ऐसा सब बोले। फिर ठीक है मैंने ऐसे स्टार्ट किया, पर मेरे मन में ऐसा लग गया था कि नहीं अब गोल्ड तो लेना है यहाँ से, गोल्ड एक ले लेंगे फिर वापस भली आ जाएंगे। पर जब वो गोल्ड की तलाश में निकल गए ना कि गोल्ड गोल्ड गोल्ड, तो धीरे 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 मतलब प्रोफेशनली खेलने लग गए, क्या खेलना है खेलना है खेलना है, ऐसे करते आगे जा रहे थे। हाँ राइट, बोलिए। सो हाँ स्विमिंग को कब आपने कंप्लीटली साइड पे रख के कंप्लीट टाइकोंडो में कब आए आप? 2015 राइट, सो जब 2015 मैं में आप फिर प्रॉपर टाइकोंडो प्लेयर बन गए। हाँ आ चुका था, और उस टाइम पे मतलब अभी थोड़ा सा और चेंज होगा, क्योंकि उस बीच में हम इतने भी ज्यादा मतलब ये नहीं सोचे थे, क्योंकि वो 15 years की एज थी, और ऐसा नहीं सोचते थे कि यार इतना आगे देखना है अपने को। मतलब ये है कि आपको मैंने बताया जैसे कि मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ, तो मुझे वहां पे ये बोला जाता है कि आपको ये करना है ये नहीं। तो अच्छा, बचपन से मतलब जब हम छोटे से बड़े हुए ना, तो यही सीखा है कि बिजनेस करना है बस, और कुछ नहीं। और आपको बताऊं मैं कि इंदौर में अधिकतर लोग व्यापारी हैं, इंदौर एक ऐसी जगह मतलब यहाँ ज्यादातर लोग व्यापारी हैं, तो यहाँ की लोगों की सोच भी ऐसी है कि नहीं मतलब व्यापार करना है। तो उस हिसाब से मतलब चल रहा था, फिर टूर्नामेंट्स खेलते थे, ओपन नेशनल होते थे पहले, क्योंकि कोच वैसे नहीं थे हमारे जो मतलब हर जगह हमको लेके जाए, क्योंकि उनको स्कूल से भी परमिशन लेना पड़ती थी हर जगह के लिए। तो ऐसे ही करते करते एक वापिस से जो नेक्स्ट ईयर का SGFI टूर्नामेंट था, उसमें मुझे जो मेरे कोच हैं अभी वो मिले, धर्मवीर ओझा, उन्होंने मेरा गेम देखा। और उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी इंजरी हुई थी, तो उन्होंने मुझे आके पूछा कि आपको खेलना है, तो मैंने बिल्कुल खेलना है। और जो कोच है ना उनको मैंने मतलब ओपन नेशनल्स में देख चुका था, उनका परफॉर्मेंस वगैरह मतलब बहुत हाई क्लास, उनकी किक की स्पीड वगैरह देख के बहुत बहुत इंस्पायर हुआ था। मुझे नहीं कुछ करना है अब कुछ करना है। तो ऐसे करते करते वो कोच जब आगे रह के ऑफर किए कि आपको करना है, तो मैंने बिल्कुल हाँ करना है, ऐसे करके हम चले गए। उन्होंने नेक्स्ट डे उन्होंने नंबर दिया कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे हम ट्रेनिंग करेंगे। मैंने ठीक है, वहां पे धीरे 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 हम आने लगे गेम में। फिर उन्होंने मुझे स्टेट वगैरह मतलब जो फेडरेशन के स्टेट होते हैं वो खिलाए, वहां पे परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, मतलब हार के आ गए थे, क्योंकि वो होता है ना एक लेवल होता है फेडरेशन का और ओपन का। तो ओपन खेले हुए थे, ओपन में इतने बच्चे नहीं आते हैं, तो वहां पे तो अपन मेडल ले आते थे, पर जब फेडरेशन एकदम गए तो वहां नहीं आते थे। तो ऐसे ही चलते चलते थोड़ा सा टाइम हो गया, और फिर मतलब ये था कि यार एकदम ऐसे बच्चे थे कि कार से जाना है क्लब,
यहाँ से मतलब मैं कोदरिया में रहता हूँ वैसे, यहाँ मतलब मेरे क्लब यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, डेली अप डाउन। हाँ तो मतलब ऐसा था कि कार से आते थे और मतलब भैया ड्राइवर भैया जो थे वो नीचे खड़े रहते थे और मैं क्लब में ऊपर रहता था। तो ऐसे ही करते करते ट्रेनिंग चल रही थी, कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लाइफ में। तो ऐसे ही करते करते मतलब एक दिन ऐसा आया कि मतलब 2017 में अगस्त में 27 अगस्त मतलब एक कार एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। तो उस दिन उस समय मतलब उस सिचुएशन से निकलना, मतलब फैमिली को संभालना, सबके साथ रहना, वैसे जॉइंट फैमिली से हूँ, पर वो एकदम से जो ये हुआ ना इंसिडेंट मतलब एक्सीडेंट, तो एकदम समझ भूल गया क्या करना है क्या नहीं करना है आगे लाइफ में। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही थी कि अब कैसे इससे ओवरकम करेंगे। तो ऐसे ही फिर घर वालों ने थोड़ी सी हिम्मत बनाई, मतलब ठीक है हम है ना साथ में, तो हमारे जो चाचू हैं उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे लाइफ में कि वो आगे आए और उन्होंने पूरी फैमिली को संभाला और जो बिजनेस है उसको भी आज तक संभालते आ रहे हैं। तो वहां से जब ऐसा फायर लगा ना अंदर से कि अब कुछ करना है, ये जो एक स्टेज थी कि यार इस चीज में आ गए हैं, उस टाइम तो ऐसा लगता था कि यार अपना सब कुछ खत्म हो गया, जो मतलब मम्मी पापा होते हैं वही नहीं है, पर उस टाइम पे ये था कि यार भाई बहन है ये है ना अपनी हिम्मत, ऐसा सोच के ठीक है करेंगे। और एक हिम्मत आई, सबने साथ दिया, दोस्तों ने साथ दिया, जो मेरे दोस्त हैं आज ट्रेनिंग पार्टनर भी हैं उनका नाम लेना चाहूंगा मैं, मोहित शर्मा और ऋतिक यादव, तो ये दो मेरे दोस्त थे, दोनों ने मुझे बहुत साथ दिया, आज तक साथ दे रहे हैं। तो इनकी वजह से मैं उस चीज से ओवरकम किया, देन ट्रेनिंग स्टार्ट किया और मतलब 15-16 डेज हुए थे इस एक्सीडेंट को, एक कश्मीर में 2017 में नेशनल हुआ था, कश्मीर ओपन ओपन नेशनल हुआ था, उसमें मैं गया, मैं एकदम वो था फायर कि अब कुछ करना है और जल्दी करना है। तो ऐसे ही वो फायर जो हुआ था ना अंदर, तो उस बेस पर मैं चलने लगा चलने लगा और मेडल आना स्टार्ट हुए। मतलब जो बंदा 6 महीने पहले मेडल नहीं ला पा रहा था किसी चीज में, वो बंदा आज 3 महीने में ट्रेनिंग करके मेडल उठा रहा है, स्टेट मेडल, फेडरेशन के स्टेट नेशनल में मेडल धीरे धीरे आने लग गए। क्योंकि वो क्या होता है ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा सा स्ट्रगल जुड़ जाता है जब एक एथलीट लाइफ में, तो वो अब वो एक डिपेंड करता है कि वो बंदा वो एथलीट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और स्ट्रगल को कैसे अपने ऊपर ले रहा है, सबसे मेन चीज ये होती है कि वो उसको एक्सेप्ट कैसे कर रहा है, ये सोच के कि ओ बाप ने मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और एक होता है हाँ ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना और आगे भी जाना है, मतलब उसको अपना ड्रीम भी लेके चलना पड़ता है कि नहीं यार अपने गोल है उसको भी लेके चलना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेके चलना है। बहुत से ऐसे एथलीट रहते हैं जो ये सोचते हैं यार इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है तो अब कैसे करेंगे, अब तो कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल पर ये सब अपने ऊपर रहता है कि अपने को क्या करना है। बिल्कुल ग्रेट. एंड मयंक की स्टोरी से हमें सिर्फ ये एक चीज, सबसे बड़ी चीज जो सीखने को मिलती है वो ये है कि लाइफ में सिचुएशंस हमेशा हमारी से हमें चाहिए वैसी नहीं होती हैं, लेकिन उस सिचुएशन में हमेशा हमने नहीं कैसे होती है हमें उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है वो हमारे हाथ में होता है. हो सकता है कभी कभी आप फाइट हार जाएं, अगर उस हार के बाद आपने ये सोच लिया कि मैंने कभी टाइकोंडो खेलनी ही नहीं है, मैंने अपनी गेम खेलनी ही नहीं है, दोबारा अरीना में जाना ही नहीं है, तो फिर आप समझ लो कि एक तरह से आप जिंदगी में हार गए. लेकिन उस टाइम पे अगर बिल्कुल आपने बिल्कुल सोचा, आपके अंदर वो आग है कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो मीन्स आप सब कुछ कर सकते हो. सो हैट्स ऑफ मयंक आपकी इस इंस्पायरिंग स्टोरी से. आई होप कि जितने भी हमारे साथ मेंबर्स यहाँ पे हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड जो भी आपको सपोर्ट करे थे उस टाइम में उन सभी के लिए भी हैट्स ऑफ है एंड थैंक्स सभी को, क्योंकि उनकी वजह से एक ग्रेट प्लेयर आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है. जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि इस सेशन को आप लास्ट तक सुने, क्योंकि आज के ये जो बाकी के 20 मिनट्स होने वाले हैं ये होने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग. अभी थोड़ी ही 10 मिनट्स में आपको पता चला होगा, आपको एक पॉजिटिव वेव्स मिली होंगी मयंक से उनके वर्ड्स में. सो वही चीज आपको आने वाली 20 मिनट्स में भी मिलने वाली है. सो प्लीज आप सपोर्ट करते रहें ऐसे एक डेडिकेटेड प्लेयर को एंड लास्ट तक हमारे साथ जुड़ रहे हैं. सो हैट्स ऑफ मयंक. एंड मयंक, हम सबको पता है कि हमारे कोई ना कोई फेवरेट टीकेडी प्लेयर्स रहते हैं, अगर इंडियन हो इंटरनेशनल हो कोई भी हो. सो अगर मैं इंडियन प्लेयर्स की बात करूं तो आपका फेवरेट कौन है? थोड़ा सा ये डिस्कनेक्ट हो गया है, कॉल आ रहा है। ओके ओके हेलो हाँ राइट, अभी ऑडिबल है. ओके सो जब तक मयंक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं आप सभी को वेलकम करना चाहूंगी. राइट, सो मयंक अभी आपको क्लियर है? राइट, सो मयंक आपका हाँ फेवरेट इंडियन टैक्वांडो प्लेयर कौन है?
वो तो मेरे जो कोच थे ना अभी, मतलब धर्मवीर ओझा, वही है, क्योंकि उनसे मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। उनका गेम देख के मतलब एक अंदर से लगा कि यार ये भी कुछ होता है और यही करना है। ग्रेट ग्रेट। और अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो ऐसा कोई आपका रोल मॉडल जिसको देख के आपको लगता हो कि नहीं मुझे उस प्लेयर जैसा बनना है? डायमंड ली डायमंड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो डेफिनेटली वो सभी के रोल मॉडल हैं एंड जैसी उनकी परफॉर्मेंस है सभी चाहते हैं कि वो उनकी तरह एक चैंपियन बने। सो बेस्ट विचेस है मैं आपके लिए एंड हमें पता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे मेडल्स मिलने वाले हैं इंडिया को अंडर द नेम ऑफ मयंक। सो आगे चलते हैं मयंक, बिल्कुल, जैसे आपने कहा आपके चाचू का बहुत सपोर्ट रहा था आपके लाइफ में, यस सो यस। उनके उसके अलावा आपने कहा आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत रहा था, सो हम आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है आपके साथ रहते हैं। मेरे दो चाचू हैं और दो चाची हैं, और उनके भी मतलब बच्चे हैं, दो दो तीन बच्चे, मतलब एक के तीन हैं और एक के दो बच्चे, ऐसे बच्चे हैं। तो हमारी पूरी एक बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली है जो अभी है, और एक मेरा छोटा भाई है, एक बड़ी सिस्टर है। ग्रेट। सो मयंक आप लाइफ में क्या गोल है आपका जो आप अचीव करना चाहते हैं? एक तो जो मेरा मेरा ड्रीम है, मेरा खुद का जो गोल है, जो मतलब ओलंपिक चैंपियन बनना है, चैंपियन नॉट मेडलिस्ट, चैंपियन। और दूसरा जो है, जो मेरे पापा ने मेरे लिए देखा था कि एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है, ये दो मेरे अभी मैं लेके चल रहा हूँ अपनी लाइफ में, ये दोनों चीज करना है, और मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। इधर अपने टाइकोंडो को भी बिल्कुल टाइम देता हूँ, और दूसरी साइड अपने बिजनेस को भी टाइम देता हूँ। और कुछ स्टार्टअप जो मैंने अभी कर रखे हैं वो मैंने अलग से कर रखे हैं अपने, वाओ ग्रेट। हमारा सो बेस्ट एक्चुअली विशेस है आपके स्टार्टअप्स के लिए भी। बिल्कुल अभी मतलब हमारा एक्चुअली पटेटो चिप्स का बिजनेस है, तो पटेटो राइट। चिप्स आता है ना उसका, तो मैं उसकी ट्रेडिंग भी करता हूँ साथ साथ में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो इसी तरह से आप लगे रहे अपने गोल्स की तरफ एंड जल्दी से आपको जो भी गोल्स अचीव करने हैं वो आप जल्दी जल्दी से कर पाएंगे, हमारी बेस्ट विशेस हैं। एंड मैं हम जानना चाहेंगे कि जैसे अभी इस प्रेजेंट जो स्पोर्ट्स सिस्टम चल रहा है हमारा ऊपर नीचे, तो उसके भी बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ ये तो है कि इसमें थोड़ा सा डिफॉल्ट है, मतलब बहुत थोड़ी सी दिक्कत है अपने जो सिस्टम है ना उसमें थोड़ी सी है, क्योंकि बहुत से ऐसे एथलीट होते हैं, बहुत से मतलब जो पोटेंशियल एथलीट होते हैं, जिनको मौके दिए जाएं तो बहुत अपने ऊपर तक जाएंगे, ओलंपिक में जाएंगे और मेडल लेके आएंगे। जैसे आप अभी नीरज भैया को देखिए, नीरज चोपड़ा, वो मतलब एकदम पोटेंशियल एथलीट, गांव से आए हैं, और मतलब गांव से उठ के आए हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे ना इंडिया में ये सोने मतलब बोलते हैं ना सोने की चिड़िया है, या जहां मतलब गांव जुड़ा होगा ना वहां पे सोना मिलेगा, सीधी सी बात है। तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं अपने इंडिया में छोटी छोटी, जहाँ पे सरकार मतलब अपनी जा नहीं पाती है, बहुत से लोग ऐसे मतलब वहां पे चीजें अवेलेबल नहीं है, ऐसे क्लब नहीं है कि वो टैलेंट बाहर आ सके, तो वहां ग्रेट। तक उन मतलब अपने सिस्टम को वहां तक अगर कुछ कुछ हेल्प करके, जैसे गवर्नमेंट स्कूल जो होती है, गवर्नमेंट स्कूल से कांटेक्ट करके वहां के जो मतलब बच्चे हैं, मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं, यहाँ पे हमारे पास में एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे जब स्पोर्ट्स की चीजें होती है ना तो बच्चे बहुत सारे आते हैं, बहुत भीड़ लगती है वहां पे। मतलब मैंने जेवलिन थ्रो देखा है, जब मैं 17-18 ईयर्स का था, जो वहां पे जेवलिन थ्रो मैंने 60-70 मीटर्स का देखा है। वाओ ग्रेट। अब आप सोचो मतलब डेफिनेटली बच्चे जो 10th 11th के बच्चे जो इतना इतना जेवलिन थ्रो में फेंक रहे हैं, मैंने बोला गजब। और जब अभी देखा मैंने कि 87 मतलब अभी फिका रहा, मतलब वो अगर ट्रेनिंग करें, ऐसे बच्चों को मौका दिया जाए तो बिल्कुल वो मेडल लाएंगे आगे। यस बिल्कुल लेके आएंगे एंड ऐसे बच्चों को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे हम एंड सपोर्ट यस डेफिनेटली सपोर्ट उनके लिए पूरा बनता है। सो मैम जैसे आपने बताया कि आपकी लाइफ में एक छोटी सी ट्रेजेडी आई थी जब आपके मदर एंड फादर आपके साथ नहीं थे, सो उस केस में कभी आपको ऐसा लगा कि शायद मुझे इसे छोड़ देना चाहिए गेम को? बस वो उसी टाइम के लिए आया था, वो भी 2-3 दिन थे ऐसे अपनी लाइफ के, बस उससे मैं ओवरकम कर गया। मतलब बहुत से ऐसे होते हैं जो उसके नीचे दब जाते हैं कि अब सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकते। मैंने भी सोचा, पर कुछ ऐसी चीजें हुई मेरे साथ, मेरे मतलब कुछ ऐसे मिला मुझे कि नहीं यार करना है, अब कर लो। मतलब एक क्या हो रहा था कि आपको मैं बताता हूँ कि एक कार एक्सीडेंट, वो इस टाइप से हुआ था कि बारिश आ रही थी बहुत तेज से, और एक पुल क्रॉस कर रहे थे मेरे पापा मम्मी मतलब कार से, उस टाइम पे वो कार उसमें ही मतलब
नदी में बह गई थी, ऐसा हुआ था। तो उस टाइम मेरे जो बैग था सर्टिफिकेट वगैरह, मैं एक स्कूल में एडमिशन लेके आ रहा था उस टाइम पे, तो मेरा सर्टिफिकेट वगैरह उसमें ही थे और मैं अपने फैक्ट्री पे था, तो सर्टिफिकेट भी साथ में चले गए थे कार के साथ। हाँ तो ऐसे ही, मतलब हमारे पास में ही है वो जगह, 2-3 किलोमीटर है। तो वो जब सर्टिफिकेट चले गए थे ना, तो दूसरे तीसरे दिन मैं ये सोच रहा था कि अब नहीं करना, शायद हो सकता है मम्मी पापा नहीं चाहते हैं कि मैं टाइकोंडो खेलूं, इसीलिए हो सकता है सर्टिफिकेट भी मेरे साथ रह गए, अब नहीं मिल रहे हैं। फिर मैंने बस ये बोला था और विद इन अ मिनट, 5 मिनट, वो एक अंकल आते हैं, मतलब मामा मेरे, और बोलते हैं ये कुछ सामान मिला है नदी पे से, और उसमें मेरे सर्टिफिकेट्स थे। तो उस टाइम पे मैंने सोच रहे थे अब करना है, अभी तक तो नहीं करना था पर अब करना है, क्योंकि यार जो अपन ने अभी तक जिसको होप छोड़ दी, जैसे ही होप छोड़ी थी मैंने कि अब नहीं करना, उस टाइम पे वो सर्टिफिकेट्स देख के एक अंदर से ऐसा लगा कि अब करना है और अब एंड तक करना है, कुछ भी हो जाए अब करना है जब तक अपन चैंपियन नहीं बनते हैं। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो डेफिनेटली मैंने कहा आपकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है. एंड ऐसी सिचुएशंस मींस आपकी सिचुएशन तो बहुत बड़ी थी एंड बहुत ट्रेजेडी से भरी हुई सिचुएशन थी आपकी. क्योंकि मैंने ऐसे प्लेयर्स को देखा है जो छोटी छोटी सिचुएशन में भी गिव अप कर जाते हैं एंड कहते हैं कि हमसे आगे नहीं हो पाएगा. सो उन सभी प्लेयर्स के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी कि एक बार अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करके तो देखो, शायद जो अभी नहीं कर पा रहे हो आप, आज से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आप खुद ब खुद कर पाओगे. क्या चाहिए आपको? थोड़ा सा हार्डवर्क, आपकी डेडिकेशन चाहिए. सो डेफिनेटली हैट्स ऑफ मयंक एंड प्राउड ऑफ यू. सो मयंक, क्या आप है ना, स्टडीज क्या भी करते? हाँ बोलिए बोलिए. है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है कुछ भी, मतलब होता है यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हो गया, मेरा सब कुछ वो हो गया, ऐसा मतलब होता है बहुत से, मतलब जल्दी हार मान जाते हैं। आपने जैसा बोला, बहुत से मतलब जल्दी क्यों, क्योंकि वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्यों हुआ ये वो। हाँ हो गया, अब हो गया, इसको चेंज नहीं कर सकते, बस ये सोच के सोच लेना अब इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ना है, तो वो इंसान आगे बढ़ जाता है। डेफिनेटली. सो मयंक, आप अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर रहे हैं साथ में? हाँ मैं अभी मतलब 2020 में मेरा मतलब 12th कंप्लीट हुआ था, बिकॉज वो रिपीट वगैरह में, क्या एक्चुअली मैंने पढ़ाई में थोड़ा अच्छा नहीं था शुरू से, तो घर वाले बोलते थे हाँ चल तू पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो स्पोर्ट्स अच्छा कर। तो मैं 2020 में मेरा मतलब 12th कंप्लीट हुआ था, देन उसके बाद मैं फिर ये लॉकडाउन वगैरह आने लगे, तो उस टाइम पे मैं ड्रॉप ले लिया था कि नहीं अब थोड़ा ये कर लो, और उसके बाद फिर मैं अपने बिजनेस पे ध्यान देने लग गया था। बाकी हाँ अभी मैं कॉलेज में एडमिशन ले चुका हूँ और मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है, और मैं अभी मतलब जैसे ट्रेनिंग करता हूँ मॉर्निंग एंड इवनिंग, देन अपना बिजनेस संभालता हूँ उस उसके बीच में, देन रात को मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करता हूँ। राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो डेफिनेटली आप दो की जगह तीन चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, स्टडी, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस. सो आपके लिए डबल ट्रिपल बेस्ट विशेस हैं कि जो भी आपको जल्दी जल्दी अकॉम्प्लिश आप करना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी आपको अचीव हो एंड जल्दी जल्दी आप वो सब कुछ कर पाए जो आपने सोचा है, जिसके बारे में आप वर्क कर रहे हैं. सो नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे कि ओके, डेली रूटीन के बारे में भी आपने बता दिया एंड रिसेंटली आपको एक छोटी सी इंजरी हुई थी, राइट? सो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे. वैसे ये छोटी तो एक्चुअली अभी नहीं मैं है. हमारा अभी हमारा नेशनल, मतलब नेशनल था ना मनाली में, मतलब सीनियर नेशनल जूनियर, मतलब वो नेशनल था, ऐसी चैंपियनशिप थी, हिमालयन कप होता है जो मनाली में, वहां पे हम लोग सब गए हुए थे, क्योंकि 2 साल से आपको पता ही है कोई टूर्नामेंट्स आए नहीं है, तो बहुत समय से जो भी प्लेयर थे उनको अंदर से लग रहा था कि यार खेलना है खेलना है, टूर्नामेंट जाना है। हम गए, अच्छा लगा, वहां का वेदर भी अच्छा है, बढ़िया है, बट एकदम खेलते खेलते क्या हुआ, फर्स्ट डे फाइट था। कभी कभी क्या होता है दूसरे तीसरे दिन फाइट होता है, अपन वहां के मतलब एटमोसफेयर में घुल मिल जाते हैं अच्छे से, पर कभी कभी नहीं घुल पाते हैं, ऐसा होता है, तो एकदम ठंडा माहौल है वहां का। तो हम चल रहा है हमारा, मतलब फर्स्ट डे फाइट हुई, शाम के 6 बज रहे होंगे शायद, उस टाइम पे अनाउंस होती है फाइट। अब इसमें क्या हुआ, एकदम से मैनुअल मैनुअल टूर्नामेंट था वो, कि मैनुअली मतलब चलेगा, पर वो सेंसर भी चल रहा था बीच बीच में कि सेमीफाइनल फाइनल सेंसर होगा ये वो। अब पूरा प्रिपेयर करके रखा है मैनुअल दिमाग में कि मैनुअल खेलना है, वैसे मेरा सेंसर गेम बहुत अच्छा है, अच्छे स्कोर आते हैं, मैनुअल खेलना है खेलना है खेलना है, तो मैनुअल लेके चल रहे हैं, और 1 सेकंड में मतलब चेंज हो जाता है सब, कि नहीं आपकी फाइटर सेंसर पे है, आपको सेंसर फुट गार्ड्स पहनो, चेस्ट गार्ड पहनो, मतलब अभी तक जो प्रिपेयर करके रखा था खुद को कि यार मैनुअल खेलना है, क्योंकि आपको पता ही है ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल में कितना फर्क है, बहुत ज्यादा, डेफिनेटली तो बहुत एकदम ज्यादा. हाँ बहुत ज्यादा फर्क है। तो ऐसे ही मतलब चल रहा है, और फिर जैसे ही उनने बोला कि सेंसर है, उसी टाइम
विद इन अ मिनट पूरे दिमाग मतलब अपने माइंड को फ्रेश करा, ठीक है सेंसर खेलना है, पूरा सेंसर पे आ गए। फिर फाइट हुई भैया से अपने एसएससीबी में, भैया प्रदीप राजपूत, उनके साथ मेरी फाइट चल रही थी। पहले हमारा फाइट अच्छा चल रहा था, मतलब जब मेरे को इंजरी नहीं हुई थी, मतलब ये मुझे फर्स्ट राउंड में इंजरी एंड एंड में हुई, तब तक मेरा गेम अच्छा चल रहा था, स्कोर वगैरह बिल्कुल बरोबर आ रहे थे, और फिर एकदम से इंजरी होती है, मतलब एक कट मेरे हाथ पे लगता है तो पूरा हाथ ऐसे चले जाता है पीछे और ये ऊपर नहीं आता है। अब मैंने सोचा है अपन आगे चल रहे पॉइंट में खेलना है, अपन ने स्कोर आ रहे हैं मतलब खेलना है। मैं चाहता तो मैं गिव अप करके बाहर आ सकता था, इंजरी ज्यादा थी क्योंकि बाकी सबको नहीं दिख रहा था कि मेरे हाथ में लगी है, पर लग चुकी थी। उस टाइम मैंने सोचा ठीक है अपने को खेलना है, किसी को नहीं बताने लगी है, तो हाथ ऐसे ऊपर नहीं आ रहा है, और मैं इसको ऐसे करके लेके आया। फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, बस मैंने जो मेरे कोच खिला रहे थे वहां पे भैया, उनको बोला कि थोड़ी सी लगी है, तो बोले खेलना है, मैंने खेलना है अभी थोड़ी ना छोड़ना है। तो ऐसे करते करते मैं वापस रिंग में गया, देन फिर एकदम दूसरी तीसरी किक लगी तो एक बार हाथ ऐसा चला गया, तो ये नीचे ही नहीं आ रहा है इतनी, मतलब बोन्स वो हो रही थी आपस में, बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा था। फिर मैंने अब अभी भी स्कोर आगे चल रहे हैं क्योंकि मैं स्कोर देता नहीं हूँ सेंसर पे किसी को भी, तो स्कोर आगे चल रहे हैं, मैंने बोला टिकना है और भैया आज आ रहेंगे अपने से। ऐसा सोच के बस खेल रहे थे, खेलते खेलते इंजरी ज्यादा होने लगी, जब मतलब चार पांच किक लगी इसमें इंजरी की, मैं लगते चली गई लगती चली गई, तो देन उसके बाद मैं गिरने लग गया एकदम से। होता है कि अपना जब माइंड काम नहीं करता है ना तो अपन गिर जाते हैं कभी कभी, तो ऐसे करते करते मेरे 10 ग्राम होके मैं बाहर हो गया, 10 ग्राम हो गए थे। So exactly मतलब गिव अप नहीं करना था। मींस बोन इंजरी है या फिर ये इसमें, ये मेरे रिस्ट में करीबन 7 फ्रैक्चर आए। ओके ये so, मतलब इसमें वायरस वायरस डले अंदर। राइट सो सभी जो भी मेंबर्स हमारे साथ हैं यहाँ पे, सो उनकी तरफ से आपको बेस्ट विशेस कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं एंड दोबारा से अपनी गेम कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि हमें पता है कि मयंक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं एंड आने वाले टाइम में यही प्लेयर नेक्स्ट लेवल पे भी जाने वाला है। सो बेस्ट विशेस मयंक एंड गेट वेल सून। सो अभी मैं जानना चाहूंगी कि जितने भी मेंबर्स हमारे साथ यहाँ पे हैं, अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मयंक से तो वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो ले सकें एंड उनके आंसर्स हम दे सकें। सो बाद में जो हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, रमेश, दीपक, चिंटू, देन मिहिर, इररेसिबल यंग मैन, देन वेन हमारे साथ बाद में है, सुनीता ठाकुर, सिंह सुमित, देन निखिल है हमारे साथ, एंग्री बर्ड है। सो आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं एंड लास्ट यस। सो एक आपके लिए ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, निखिल मांग रहे हैं आपको ऑटोग्राफ। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैम कि आप उन्हें एक स्कैंड ऑटोग्राफ प्लीज डीएम कर सकते हैं। राइट सो एक्चुअली निखिल शायद ये है ना, एक सेकेंड राइट। सो और कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। सो रजीम अरबाज, जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन है, धीरज पटेल, देन दृष्टि, आदित्य, रश्मि, लक्ष्मी है हमारे पास, पूजा है, वृंदे, ओके वृंदा है, ओके सो कशिश वेलकम एंड थैंक्स कि आप हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे। सो बहुत सारे मेंबर्स हैं जो ऑटोग्राफ मांग रहे हैं मयंक का, सो आप प्लीज उन्हें पर्सनली डीएम कर सकते हैं ताकि वो आपको एक स्कैंड ऑटोग्राफ सेंड कर सकें। सो मयंक, अगर लास्ट में आप हमारे बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कुछ मैसेज देना चाहें तो प्लीज। ऐसा क्या है ना कि लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं, बहुत आते हैं, बहुत डिफिकल्टीज आती है लाइफ में, पर उससे जो ओवरकम करेगा ना भाई वो आगे जाएगा। और डिस्ट्रेक्शन और ये सब आते रहता है लाइफ में, बहुत से डिस्ट्रेक्शन आते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार अब छोड़ दो, सब छोड़ दो, मतलब कुछ नहीं रखा है, पर उस चीज से बाहर जब आके दूसरी तरफ देखेंगे ना एक अलग ही दुनिया है। जब आप सोचेंगे और आपके गोल्स दिखेंगे ना, जब आपके गोल्स पे आपकी नजर है तो आपको डिस्ट्रेक्शन नहीं आएगा कभी भी, मतलब आप डिस्ट्रेक्ट हो गए ही नहीं, क्योंकि आपको आपकी गोल्स जो है वो कभी डिस्ट्रेक्ट होने नहीं देंगे। अगर आप डिस्ट्रेक्ट हो रहे हो इसका मतलब है आपका आपकी आपका ही नजर आपके गोल पे नहीं है। और मेहनत करो, क्योंकि हार्ड वर्क बी टैलेंट एंड एक्सपीरियंस प्लेयर।
हार्डवर्क सब कुछ कर सकता है, ये मैंने हार्डवर्क किया मुझे पता है, एंड आज मेरे साथ भी ये जो इंजरी भी हुई है मैं इसको इतना नहीं लेता हूँ, मैं अभी भी मतलब मेरा जो मतलब लेग्स वगैरह की एक्सरसाइज है वो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है और अभी जो मेरा मेन टारगेट है ना वो एशियन गेम्स है 2020 अपने शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे लिए, एंड आपके जो भी इंस्पायरिंग वर्ड्स थे इन पिछले 30 मिनट में ये इतने इम्पोर्टेंट रहे हमारे लिए कि आने वाले टाइम में इस सेशन से हमने बहुत कुछ सीखा एंड हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. जो प्लेयर्स को लगता है कि एक छोटी सी सिचुएशन के आने पर अगर हमें गिव अप कर देना चाहिए तो प्लीज वो गिव अप ना करें. ये पहली चीज थी जो हमने आज सीखी. दूसरी हमने सीखी कि जरूरी नहीं है कि अगर हम हमेशा से हारते आ रहे हैं तो आगे भी हारते रहेंगे. अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ी सी डेडिकेशन के साथ अपने गेम की तरफ ध्यान देंगे, थोड़ा सा और वर्कआउट करेंगे, हार्ड करेंगे, तो आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर को भी बीट कर सकते हैं. एंड नो डाउट जूनियर से जब हम सीनियर जाते हैं तो बहुत सारी चेंजेस आती हैं, लेवल का चेंज आता है, प्लेयर्स चेंज होते हैं, कैटेगरीज चेंज होती हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर आपने अपने माइंड को स्ट्रांग रखा, आपका गोल क्लियर है एंड उसकी तरफ अगर आप डेडिकेटली काम कर रहे हो तो बहुत आसान हो जाता है वो एक गोल्ड मेडल जीतना. एंड डेफिनेटली जैसे मयंक ने बताया कि इंजरीज सभी की लाइफ में आती हैं, सो आई नो कि सभी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को कोई ना कोई छोटी मोटी इंजरी आई होगी, कभी एंकल ट्विस्ट हो जाते हैं, कभी रिस्ट इंजरी हो जाती है, कभी शोल्डर इंजरी हो जाती है गिरने से, ये सब हमारी लाइफ में है, लेकिन उन्हें कैसे हमने ओवरकम करना है वो हमारे ऊपर है. अब जैसे मयंक ने बताया कि उनके हाथ पे लगी है लेकिन वो लेग वर्कआउट फिर भी करते हैं. सो इतनी डिटर्मिनेशन, इतनी डेडिकेशन होनी चाहिए हमारे पास कि कुछ चाहिए तो भाई उसको लेके ही मानना है. सो डेफिनेटली मयंक आपके लिए बेस्ट विशेष है आपके फ्यूचर के लिए, एंड वी नो कि आप जैसे प्लेयर की जरूरत है इंडिया में, एंड यू वुड बी द पर्सन जो इंडिया को और भी बहुत सारे मेडल्स ला के देंगे. सो थैंक यू वंस अगेन कि आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े. एंड मैं लास्ट टाइम बस पूछना चाहूंगी, अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. लास्ट वन मिनट के लिए हम वेट कर सकते हैं एंड उसके बाद वी विल बी एंडिंग द सेशन. एक और चीज है, अभी क्या हुआ था लास्ट, अभी मैं मतलब इंजरी हुई थी मेरे घर में. अब आपको पता है जो एक एथलीट रहता है उसकी लाइफ में रेस्ट तो लिखा ही नहीं रहता है कि रेस्ट करना है, रेस्ट करना बोर हो जाता है ना. तो ऐसे में ना मतलब इंजरी थी हाथ में लगी है, मैं पास के एक जिम जाता हूँ, मतलब जिम गया वहां पे बात करने की, मुझे जिम ज्वाइन करना है. तो उन्होंने मुझे देखा क्या हुआ ये, मैं फ्रैक्चर हुआ है, वायर वगैरह डले हैं. तो बोले नहीं नहीं आपको तो रेस्ट लेना चाहिए ये वो करके. बोले आप करोगे कैसे, मैंने बोला मैं लेग्स का वर्कआउट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे. बोले नहीं नहीं आप नहीं कर सकते, हम परमिशन नहीं देंगे आपको. मैंने ठीक है आप परमिशन मत दो, मेरा मैं घर पे कर लूंगा. मतलब उन्होंने मतलब एज अ ब्रदर समझाया, पर मैंने घर पे स्टार्ट कर दिया. डेफिनेटली क्योंकि जब हमें ओके हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आई ना कि जब हम अपने बेस्ट पे नहीं है, अभी जैसे मैं उनके हाथ पे इंजरी हुई है तो वो अपने 100% बेस्ट पे नहीं है, लेकिन वो अंदर से करना चाहते हैं, अपने 50% को भी 100 बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो गए. लेकिन सामने वाली पर्सन कभी हमें ऐसे लाइफ में ऐसे बहुत से मिलते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं हमारे गोल से. सो उस कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना चाहिए आपके सामने आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए, पीछे से बेशक जो मर्जी खींचता रहे आपने आगे ही दौड़ते रहना है. सो ग्रेट. और एक और बात, जो इंजरीज है ना ये एक स्पीड ब्रेकर है लाइफ में, तो थोड़ी देर के ही आते हैं ना स्पीड ब्रेकर, ज्यादा देर के नहीं आते. अगर आप उसको क्रॉस करें तो वापस स्पीड बढ़ा सकते हो, है ना. अगर आप ऐसे बाइक ऐसा आप जिंदगी को मतलब लाइफ को समझते हो, अगर आप एयरप्लेन बन जाओगे ना, खुद को ऐसा सोचना हो कि नहीं तो वहां पे आपको रोकने वाला कोई नहीं है, तो बस उड़ जाओ. बिल्कुल, क्योंकि अगर हम ओके स्पीड से जा भी रहे होते हैं, स्पीड ब्रेकर आता है तो एक बार उछलते हैं, डिसबैलेंस होते हैं, लेकिन उसके बाद जमीन पे आते हैं ना, नॉर्मल हो जाता है ना सब कुछ, वैसे ही चलता है हमारी लाइफ में भी. सो ग्रेट मयंक, आपके साथ बहुत ही अच्छा रहा हमारा आज का सेशन एंड आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला. थैंक यू कि आप हमारे साथ आए, एंड सभी को थैंक यू जो हमारे साथ इस टाइम पे जुड़े थे. थैंक यू एवरीवन. एंड यस, सो चैंपियन बोल रहे हैं कि उन्हें आपके साथ ट्रेन करने का एक मौका मिले तो वो जरूर आना चाहेंगे. एंड आप किसके साथ ट्रेन करते हैं, आई थिंक वो लेट ज्वाइन हुए थे. सो मयंक आप उन्हें बता सकते हैं कि आप किसके साथ ट्रेन करते हैं. अभी मेरे जो फ्रेंड लोग हैं वो एक महक शर्मा एंड ऋतिक यादव, आकाश ठाकुर, निखिल खकाल, ये सब मेरे फ्रेंड है. जो आपको ऑटोग्राफ के लिए फर्स्ट बोला था ना निखिल, वो मेरे साथ ट्रेनिंग करता है, भाई है मेरा, दोस्त है. तो ये सब हम ग्रुप है हमारा, और हमारे कोच धर्मीर हो जाए. ग्रेट. सो यस, इसी के साथ हमारा जो आज का ये वंडरफुल सेशन है वो यहाँ पे खत्म होता है. एंड वंस अगेन थैंक यू मयंक, थैंक यू एवरीवन कि आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े. एंड ऐसे ही हम और भी बहुत ही इंस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन के साथ लाते रहेंगे हमारे लाइव सेशन. सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं आपको अपकमिंग सेशन में. सो बाय मयंक.
थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.